तो हाय गाइस, कैसे हो? हैक्स ऑफ बढ़िया होंगे। चलो फली गाइस आ चुके हैं पैंडे सुपरस्टार रेवड़ स्टार डाली प्रवास की कल की 2890 के कौन एपिसोड में वापस। तो भाई आज चल रहा है डे नंबर 14 एंड सेकंड ऑफ वेडनेसडे है। भाई देखें भाई क्या नंबर है आज के दिन हमें आता हुआ दिखाई है वो दे सकते हैं। बट सबसे पहले यहाँ पे ट्यूजडे का नंबर देखेंगे। मैंने उसको कल बताया था कि शायद ऐसा पहली बार होगा कि मामला भाई सिंगल डिजिट में आ सकता है ट्यूजडे को, यानी कि 10 करोड़ से मामला ज़्यादा नहीं आएगा। मेरा नंबर था ऑलमोस्ट 9 करोड़ के आसपास। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि मामला 9.5 दिख रहा है या फिर मतलब कि अभी भी डबल डिजिट है। पर उससे पहले आशु को पता है कि भाई सलार चल रही है जापान के अंदर और फर्स्ट ऑफ वीकेंड है मेरे भाई, हो चुका है क्लोज और जो भाई नंबर निकल के सामने आया है आउटस्टैंडिंग मेरे भाई। आरआर ने फर्स्ट ऑफ वीकेंड में लगभग 44 मिलियन से ज़्यादा बिजनेस किया था, अभी जापान उनकी करेंसी में ही किया था, ठीक। एंड नेक्स्ट भाई साहू थी लगभग 23 मिलियन से ज़्यादा। नेक्स्ट भाई अब आ चुकी है सलार, 18.2 मिलियन प्लस उनकी करेंसी में ये बिजनेस है गाइस बुक कर चुकी है। मतलब कि थर्ड हाईएस्ट वीकेंड रहा अब तक की बात करें किसी भी इंडियन पिक्चर का। नेक्स्ट मेरे भाई फिर पठान है 14.6 मिलियन फर्स्ट ऑफ वीकेंड में। नेक्स्ट दंगल है 12.4 मिलियन, क्योंकि सलार की बात करें तो 18.2 मिलियन प्लस बिजनेस है, 11.6 के हमें एडमिट्स है वो देखने को मिले हैं। तो देखा जाए भाई फर्स्ट ऑफ वीकेंड वैसे अच्छा गया है भाई, अभी साहू से तो थोड़ा कम है बट थर्ड हाईएस्ट तो है, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि आने वाले डेज में क्या हमें ये गाड़ी अच्छी अच्छी रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई देगी या फिर भाई स्लो हो जाएगी। अब मूव करते हैं कि भाई डोमेस्टिक में क्या चल रहा है एंड कल का दिन भाई क्या फाइनल नंबर है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। ओक्वेंसी की बात करें गाइस, यहाँ पे तेलुगु टूरी वर्जन मॉर्निंग की 15%, आफ्टरनून की भाई ऑलमोस्ट 20% एंड इवनिंग की 24, जो कि नाइट की बाई 23। मतलब कि वो रफ्तार नहीं पकड़ पाई इवनिंग टू नाइट की ओक्वेंसी, मतलब कि सिमिलर भी नहीं रही, हमें थोड़ा सा भाई ड्रॉप है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करें भाई हिंदी की 9% मॉर्निंग की, आफ्टरनून की 16, इवनिंग की 18 एंड नाइट की ऑलमोस्ट 19 के आसपास है वो हमें देखने को मिली है। एंड नंबर्स की बात करें तो भाई तेलुगु वर्जन 2.10 करोड़ के आसपास हमें अर्ली इस्टीमेट है वो देखने को मिल रहा है। हाँ से को याद होगा कल हमने दिन भाई शाम वाला जो एपिसोड 6 से लेकर 7 बजे के बीच में हमारा रहता है कि 50 से लेकर 60 लाख के आसपास मैंने कहा था कि भाई हमें ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है। एंड यस गाइस अभी भी कुछ ऐसा ही सुनहरियो है वो देखने को मिल रहा है। तो या कहना होगा कि थोड़ा मामला गाइस अगेन हमें ज़्यादा ही ड्रॉप है वो देखने को मिला है। एंड हिंदी की बात करें लगभग भाई 6 करोड़ के आसपास मेरे को नेट फिगर है वो दिख रही है, 6 करोड़ के आसपास, ठीक है 6.75 करोड़ बाई मंडे एंड 6 करोड़ बाई ट्यूजडे। एंड ऑल ऑफ लैंग्वेज का मैं इंक्लूड करूँ तो लगभग 9 से लेकर 9.5 करोड़ के आसपास मेरे को नेट फिगर दिख रही है, 9 से लेकर 9.5 करोड़। मतलब कि ये पहली बार होगा जब से भाई पिक्चर आई है कि भाई मामला सिंगल डिजिट में आया है, इससे पहले अभी 10 करोड़ से ज़्यादा ही था। बट ट्यूजडे को ऑलमोस्ट 9 से लेकर 9.5 करोड़ के आसपास मेरे को फाइनल अर्ली इस्टीमेट है वो देखने को मिल रहा है। एंड वर्ल्ड वाइड में 17 से लेकर 18 करोड़ के आसपास आप पकड़ लो, मतलब कि फर्स्ट ऑफ 13 डेज ऑलमोस्ट मामला जाएगा भाई 950 करोड़ प्लस, 950 करोड़ से ज़्यादा भाई पहले 13 दिनों में बिजनेस है वो आ चुका है, जो कि अब तक की बात करें आफ्टर बाहुबली 2 तो प्रवास की ये भाई हाईएस्ट कलेक्शन करने वाले पिक्चर है। तो उम्मीद भी करेंगे भाई जल्द ही 1000 करोड़ का आंकड़ा गाइस वो पार करेगी। एंड ये तो रहा गाइस डोमेस्टिक का कुछ नज़ारा एंड पहले 13 दिनों का एंड 950 करोड़ मैंने आपको बता ही दिया। चलो आप लगे हाथ भाई नॉर्थ अमेरिका का भी देख लेते हैं भाई, वहाँ पे भी कई सारे रिकॉर्ड्स हैं वो बना रही है, सुपर स्ट्रॉन्ग हमें मामला देखने को मिल रहा है। लगभग 16.5 मिलियन प्लस भाई मेकर्स ऑफिशियली पोस्टर वो छाप चुके हैं, मतलब कि इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट 137.76 करोड़ के आसपास है। अरे भाई जितना मतलब सलार ने ओवरसीज से टोटल बिजनेस किया था इतना तो भाई कल की गज सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से मेरे भाई आ चुका है। या मामला गाइस स्ट्रांग है नो डाउट अबाउट, और यहाँ से गाइस कहीं ना कहीं अगर 1 मिलियन और आ जाता है बिजनेस तो भाई ये पठान को ओवरटेक कर देगी एंड फिर गाइस सेकंड हाईएस्ट नॉर्थ अमेरिका से क्वेश्चन करने वाले पिक्चर गाइस वो बन जाएगी। नंबर 1 पे बाहुबली 2 एंड सेकंड शायद आ सकती है यहाँ पे कालकी 2890, जो गाइस आने के चांसेस तो हैं, अभी सैटरडे संडे तो बाकी है। लेट्स सी गाइस अभी देखते हैं। एंड कनाडा की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 मिलियन से ज़्यादा भाई नंबर है वो आ चुका है, और अब तक ये बात करें साउथ की ये पहली पिक्चर है
जिसने 3 मिलियन से ज़्यादा कनाडा में बिजनेस है गाइस वो की है। आउटस्टैंडिंग मेरा भाई, आउटस्टैंडिंग। आज तक कोई भी साउथ की पिक्चर 3 मिलियन को भाई टच ही नहीं करवाई थी कनाडा में। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। एंड ओवरऑल देखूंगा इस तो मैं ये 5th हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली पिक्चर बन चुकी है कनाडा में। नंबर 1 पे भाई एनिमल है, 2nd पोजीशन पे पठान है, 3rd पे गाइस जवान है, फिर गाइस रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है, एंड नेक्स्ट गाइस अब आ चुकी है काल की 2898 जो कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का 3.28 मिलियन टोटल बिजनेस है कनाडा के। तो शायद ये यहाँ पे कल की इसको ओवरटेक कर देगी। और 4th हाईएस्ट कलेक्शन करने वाले पिक्चर गाइस वो रहने वाली अपने लाइफ टाइम में। तो गाइस ये रहा अब तक का कुछ नज़ारा, अब तक का भाई कुछ सुनहरियो। और पठान का गाइस 17.45 मिलियन लाइफ टाइम था यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, तो या ये ओवरटेक कर सकती है, मेरे को चांसेस तो भाई दिख रहे हैं। अब मूव करते हैं आज की और भाई डे नंबर 14 एंड 2nd ऑफ वेडनेसडे। भाई कितनी उम्मीद कर सकते हैं? देखो उम्मीद तो भाई यही करेंगे हमें अच्छा खासा भाई होल्ड अप देखने को मिलेगा, ज़्यादा भाई ड्रॉप ना हो, एंड अगेन भाई हम 3rd ऑफ वीकेंड में अच्छा खासा यू जंप की उम्मीद है वो करें। और हाँ मैंने ये चीज़ शेयर नहीं की भाई, अभी जो सिंगल डे में भाई नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस आ रहा है ऑलमोस्ट हिंदी का डबल आ रहा है कंपेरिजन टू तेलुगू। अभी हिंदी ज़्यादा नंबर दे रहा है नॉर्थ अमेरिका में, तेलुगू गाइस काफ़ी पीछे रह चुका है। मैंने क्या कहा था भाई वर्किंग डेज आने दो, अभी तो डोमेस्टिक में भी हिंदी अच्छा और ज़्यादा नंबर लाएगा, एंड नेक्स्ट भाई ओवरसीज से भी अच्छा नंबर एंड ज़्यादा नंबर आएंगे हिंदी के ही। ऑस्ट्रेलिया में यही हाल चल रहा है, न्यूजीलैंड में भी यही हाल चल रहा है, इवन अभी नॉर्थ अमेरिका के नंबर साथ सभी के सामने है भाई, हिंदी अभी डोमिनेट कर रहा है। और आगे जितना भी नंबर के सामने आएगा मैक्सिमम डोमेस्टिक हो या फिर ओवरसीज हो भाई वो हिंदी ही कंट्रीब्यूशन है इसको करने वाला है। नाउ वो मूव करते हैं भाई 14वें दिन भाई कितना नंबर है वो आ सकता है। देखो हिंदी गाइस हम यही उम्मीद करते हैं कि 5.5 से 6 करोड़ के आसपास आज के दिन हमें अगेन नेट प्रोडक्शन है वो देखने को मिले, एंड कहीं ना कहीं 1.80 एंड 2 करोड़ के आसपास हम तेलुगु लैंग्वेज की उम्मीद करते हैं, एंड मामला गाइस बस 8 करोड़ से नीचे नहीं आना चाहिए हम ये उम्मीद करते हैं। दैट्स इट गाइस अभी देखते हैं। एंड अभी 950 करोड़ हमारे पास फिगर है, तो कहीं ना कहीं 970 करोड़ के 965 to 970 करोड़ के आसपास आप पकड़ लो 1st of 14 days। और हमें जल्दी भाई 1000 करोड़ का भाई मेकर्स की तरफ से ऑफिशियली पोस्टर है वो देखने को मिलेगा। और अब भाई हमें पोस्टर का इंतज़ार भी है कि कब देंगे वो, बट हो जाएगा बस अभी धीरे धीरे। एंड 3rd of वीकेंड तो है ही है भाई अच्छा खासा बूस्ट देने के लिए, शोज अच्छे खासे रहे। तो बाकी कलो चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।